आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाय वेलकम टू डाउटनेट इस क्वेश्चन में दिख है ये पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स एफ ओके विद टाइम पीरियड इज 3/5 सेकंड ओके सो हम लोग को दिया कि ए पार्टिकल इज एक्सक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ओके सो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए एजूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ओके okay? इसमें ये जो ब्लॉक है ये एस एच एम परफॉर्म कर रहे हैं ओके नाउ जब इस पे एफ फोर्स लग रहा है ओके okay? यानी कि फोर्स का वैल्यू एफ है ठीक है तब उस केस में इसका जो टाइम पीरियड है ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है वो है थ्री बाई फाइव सेकेंड ओके टाइम पीरियड का वैल्यू मिल रहा है हम लोग को थ्री बाई फाइव सेकंड

F dash, okay? तो इस में जो time है लेट सपोज टी थ्री तो इस केस में जो टाइम पीरियड है इसके का, वो है सिक्स ए बाई फाइव बी ओके सो हम लोग को पूछा है कंपेड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी यहाँ पे एंस्टेंट है ओके okay? सो so इनका वैल्यू निकालना है और हमको ए प्लस बी का रिजल्ट बताना है ठीक है सो देखते हैं एस एच एम का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है एफ इज इक्वस टू माइनस के एक्स ये जो के है इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्व टू माइनस एम ओमेगा नाउ अब बारी बारी से तीन इक्वेशन लिखेंगे फोर्स इस फोर्स के लिए इस फोर्स के लिए एंड इस फोर्स के लिए ओके okay? अगर इस फोर्स के लिए देखें तो फोर्स का वैल्यू क्या है एफ दिस इज इक्व टू माइनस मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज दूस

ब्लॉक पे फोर्स क्या लग रहा है एफ प्लस एफ डैश ओके सो दिस विच इज परफॉर्मिंग ऑक्सीलेशन इन टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारा इक्वेशन नंबर थ्री ओके नाउ हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर थ्री में एफ और एफ डैश का वैल्यू रखेंगे इतना के बराबर ओके सो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी कैन से एफ का वैल्यू रखा तो ये हो गया माइनस एम ओमेगा वन का स्क्वायर इंटू एक्स एफ डैस का वैल्यू रखा तो ये हो गया माइनस एम ओमेगा टू स्क्वायर इंटू एक्स दिस इज इक्व टू माइनस एम ओमेगा थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स ठीक है सो देखो एम एक्स एम एक्स एम एक्स कैंसिल हो जाएगा ओके ये माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हम लोग को मिलेगा ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर इज इक्व टू ओमेगा थ्री का स्क्वायर ठीक है नाउ ये हमारा इक्वेशन नंबर सपोज कर लो फोर है ठीक है अब हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं ठीक है नाउ अगर टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखेंगे तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा T1 जो है इसका वैल्यू क्या होगा T1 वन विल बीस टू टू पाई बाई ओमेगा वन सिमिलरली जो T2 है टाइम पीरियड फॉर सेकेंड केस इसका वैल्यू होगा टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा वन होगा सिमिलरली जो टी थ्री है इसका वैल्यू क्या होगा टी थ्री विल बी इक्व टू टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा थ्री ओके सो यहाँ से हम लोग ओमेगा वन ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री का वैल्यू निकालेंगे ठीक है सो so, यहाँ से ओमेगा वन का वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज इक्व टू टू पाई डिवाइडेड बाई टी वन सिमिलरली यहाँ से ओमेगा टू का वैल्यू निकालें तो ओमेगा टू विल बी इक्व टू टू पाई डिवाइडेड बाई टी टू सिमिलरली ओमेगा थ्री विल बी इक्व टू टू पाई डिवाइडेड बाई टी थ्री अब ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे अपने फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे ओके सो ओमेगा वन का वैल्यू है टू पाई डिवाइडेड बाई टी वन का होल स्क् स्क्वायर इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई टी थ्री का होल स्क्वायर ओके सो टू पाई टू पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा न्यूमरीटर वाला टर्म ओके सो so, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को वन बाई टी वन स्क्वायर प्लस वन बाई टी टू स्क्वायर इज इक्व टू वन बाई टी थ्री स्क्वायर ठीक है क्वेश्चन में हम लोग को टी वन और टी टू का वैल्यू देखा है टी वन जो है यह थ्री बाई फाइव ओके सो वन बाई टी वन क्या होगा फाइव बाई थ्री ओके सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा वन बाई टी वन जो है वो हो जाएगा फाइव बाई थ्री का स्क्वायर सिमिलरली वन बाई टी टू क्या होगा वो होगा फाइव बाई फोर का स्क्वायर दिस इज इक्वस टू वन बाई टी थ्री का स्क्वायर सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे को, तो हम को मिलेगा ट्वेंटी okay? ये जो वैल्यू है यहाँ पर ट्वेंटी कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर मिलेगा हम लोग को वन बाई नाइन प्लस वन बाई सिक्सटीन सो अगर इसको सिर्फ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई नाइन इंटू सिक्सटीन एंड ये जो वैल्यू है यह है वन बाई

ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में टी थ्री का वैल्यू रखा है सिक्स ए बाई फाइव बी ओके सो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 5 5, okay? अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है ए जो है इसका वैल्यू है टू एंड जो बी है इसका वैल्यू है फाइव हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या दिया था ए प्लस बी ओके सो ए प्लस बी इसका वैल्यू होगा लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नटाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर